सो हे गाइस व्हाट्सअप पिक्सा होस्ट टेक्निकल डॉग्स एक्टर समझ जी की स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पे देख सकते हो, डिजाइन वगैरह बाकी चीजों के बारे में वीडियो में मैं आगे बात करूंगा, तब तक इसका डिजाइन देख लो। You don't wanna see me mad. I'll be coming with that payback. You don't wanna taste that. Don't wanna see me on attack. Trust me, you don't wanna face that. Adrenaline, I crave that. Yeah, you know I'm nasty. I'm about to be a savage. When I want it, better have it. Nothing's getting past me. About to take this to the mat, and you'll be wishing you could take it back. Yeah. Like an assassin, I'm praying. I gotta act on a craving. I'm coming after. I'm chasing. I'm gonna capture, erasing. Yeah, those who cross me, you'll be crossed off. I got these bodies dropping, as long as they keep walking, I'll keep making deposits. They'll find out they can't stop it, cause they'll learn that I'm a prophet. गाइस एक चीज़ तो वीडियो के स्टार्ट होते ही आप लोगों ने देख ली होगी, मतलब मैं उसको अगर क्लियर करना चाहूँ, क्लियर भाषा में समझाना चाहूँ, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार एक्टिवा 6G तक जो भी हमने डिज़ाइन देखा वैसी तो दिख रही है ये, मगर पीछे से इसका डिज़ाइन बिल्कुल ही अलग हो चुका है, आगे से भी डिज़ाइन थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो आखिर क्या बात है। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको पता है होंडा जैपनीज कंपनी है, इसकी वजह से उसके स्कूटर्स इंटरनेशनल मार्केट्स में लॉन्च होते हैं पहले, उसके बाद एक्सपेरिमेंट वगैरह करके जो भी अच्छा स्कूटर उसको लगता है जो कि ऑडियंस पसंद कर रही है वो इंडिया में भी उतारता है। हालांकि इतना डायरेक्टली नहीं उतारा होंडा ने ऐसा कुछ कभी भी, मगर जो ट्विक्स वगैरह ऐसे कोई चीजें ऐड करनी हो तो नेक्स्ट जनरेशन की जी सीरीज में वो ऐड कर देता है। डीओ वगैरह ये जो सारी सीरीज है वो तो अलग ही रहती है इनकी, उनकी तो बात नहीं करेंगे, मगर हाँ कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, तो अब इसमें आप पूछोगे तो भाई ऐसा क्या दिख रहे हो इस वीडियो में, तो इस वीडियो में जो भी आप देख पा रहे हो ना वो झलक एक्टिवा 7G में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से 6G में भी हुआ था और 5G में भी मैं कहूँगा एक तरह से हुआ था, और स्टार्टिंग के बिल्कुल जो पहली एक्टिवा आई थी 2000 के आसपास इंडिया में उसमें भी कुछ इसी प्रकार से डिज़ाइन था। आप उसको आज देखोगे ना आप बोलोगे यार ये तो आज की एक्टिवा से बिल्कुल ही अलग लगती है, गूगल पर सर्च करना कभी उसकी फ़ोटो को तो आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरह से छोटे छोटे डिज़ाइन चेंजेस करती है होंडा हर उसके वेरियंट में और हर जनरेशन में, इसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है ना वो हाँ ऐसा नहीं लगेगा आपको कि यार 4G से बिल्कुल ही अलग थी 5G, वैसे ही लगेगी, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म देखोगे आप 2G 3G को कंपेयर करोगे बाकी 6G 7G से तो हाँ उसमें डिफरेंस दिख जाएगा। तो यही है, ये जो भी आप वीडियो देख रहे हो ना ये है वियतनाम में शूट किया हुआ जो लेटेस्ट मॉडल आया 2023 में, तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अपना इंडिया में भी एक्टिवा 7G आएगी इससे डिज़ाइन इंस्पायर्ड होगा। बाकी प्राइस लॉन्च डेट की बात करूँ तो प्राइसिंग वही अराउंड 1 लाख के नीचे रहने वाली है, और लॉन्च डेट जो है वो बेस्ट एक्सपेक्टेड है मेरी जनवरी 2024 में। अब देखते हैं क्योंकि होंडा के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए तो यही लॉन्च डेट होने वाली। वीडियो चले तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना, इन चारों में से कोई भी एक वीडियो देख लेना।